इंडियन जो नेवी है वो राफेल फाइटर जेट्स खरीद रही है। इससे पहले इंडियन एयरफोर्स जो थी वो भी उन्होंने भी खरीदे। ये इतना पैसा डिफेंस पे क्यों लग रहा है सुमित भाई? इंटरनेशनल कम्युनिटी चुप साधे बैठी है, उनकी कानों पे जू नहीं रेंग रही है। हब बनेगा इंडिया का राफेल, और इसके बाद जो यूएई में जाएगा, जो इंडोनेशिया में जाएगा, जो ग्रीस से जाएगा, तो इस प्लांट से निकला हुआ राफेल बनेगा। तो ये मेक इन इंडिया जो हम कहते हैं उसमें भी फिट हो रहा है। तो यहाँ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी हो रही है, इंडिया में प्रोडक्शन भी हो रही है, सप्लाई लाइन भी आ रही है, और धीरे धीरे इंडिया को एमआरओ हब बनाया जाएगा एशिया का, एशिया पैसिफिक का, राफेल का। वाह, व्हाट कैन आई से। जो पहला सवाल आता है ना जब कोई आर्मी चीफ कहीं, तो पहला सवाल आता है कि वो क्या इमदाद लेकर आएगा, और ऐसे में जब हम सबसे ज्यादा जरूरतमंद भी हैं। करीब 86 रफेल इंडियन एयरफोर्स को चाहिए, 36 रफेल इंडियन नेवी को चाहिए, 86 और 36, करीब 125 जहाज की बात कर रहे हैं मोटा मोटा। यहाँ तालिबान की तरफ से ये जो धमकियां दी गई हैं, करीब अगले 2 महीने में फ्रांस का एक डेलीगेशन आएगा, फ्रांस के प्रेसिडेंट भी आ सकते हैं, क्योंकि धमकी आ चुकी है। ये धमकी मतलब इसकी इंटेंसिटी क्या है? अब सूरत हाल जो है वो और ज्यादा नाजुक दौर में गुजर रही है। दौर है आर्मी चीफ गेम है, और हम यहाँ पे किस किस्म की खबरें सुन रहे हैं? तजिए क्या खुशखबरी मिलेगी इकॉनमी के हवाले से? खुशखबरी मिलेगी, सऊदी अरब कुछ दे देगा, यहाँ रोजगार दो, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करो। तो कोई हम चाइना से उधार पे तो ले नहीं रहे ना, कि जो चाइना ने टर्म्स बोल दिया साइन कर दिया। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, फ्रांस और भारत के रिश्ते एक डील के बाद नई दिशा की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। पहले भारतीय वायुसेना ने अपने नए स्क्वाड्रन के लिए राफेल को चुना था, तो अब नौसेना ने भी राफेल को ही तरजीह दी है। फ्रेंच मीडिया की माने तो मार्च में जब फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन भारत की यात्रा पर आएंगे, तो दोनों देशों के बीच यह डील साइन हो सकती है। दिलचस्प बात यह है कि इस साल डील के लिए उसने अमेरिकी जेट F/A-18 सुपर हॉर्नेट को रिजेक्ट कर दिया। यह डील भारत और फ्रांस के रिश्तों में एक मील का पत्थर करार दी जा रही है। रक्षा सूत्रों की माने तो नौसेना ने 26 राफेल M के लिए कई अरब डॉलर की डील फ्रांस के साथ की है। अब पाकिस्तान फ्रांस और भारत के बीच हुई इस बड़ी डील से खासा परेशान दिखाई दे रहा है, और ये चर्चा कर रहा है कि अब भारत फ्रांस से अपनी नेवी के लिए भी राफेल खरीदने जा रहा है, जो कि पाकिस्तान के लिए एक चिंता का विषय है। सुमित भाई, सुनने में आया है कि इंडियन जो नेवी है वो राफेल फाइटर जेट्स खरीद रही है। इससे पहले इंडियन एयरफोर्स जो थी वो भी उन्होंने भी खरीदे, और ये भी पता चला है कि जो इंडियन नेवी है वो जिसे वो कहते हैं ना अमेरिकन, जो सुना है कि F/A-18 सुपर हॉर्नेट जो थे उनको छोड़ के तो राफेल की तरफ जा रहे हैं। ये इतना पैसा डिफेंस पे क्यों लग रहा है सुमित भाई? नेशनल सिक्योरिटी के लिए, राष्ट्र सुरक्षा के लिए जो भी उपयुक्त होगा, जो भी अप्रोप्रिएट होगा वो किया जाएगा। और देखिए, जब आपकी कंट्री डेवलप हो रही है, आप सुपर पावर इन मेकिंग हो, आपके आपका आर्सेनल, आपका रख रखाव, आपका लिविंग स्टाइल, आपका ईज ऑफ लिविंग, ईज ऑफ बिजनेस, एवरीथिंग हैज टू गो अप, एंड मॉडर्न टेक्नोलॉजी, मॉडर्न डे इक्विपमेंट्स ऑफ द वॉरफेयर हैव टू कम इन। अगर आप राफेल की बात करें, राफेल के जो डील है बहुत बड़ी है। आप इसको अमेरिका वगैरह के बारे में देखिए, मैंने आपको आपके पुराने शो की बात है तो मैंने आपको बोला था 4-5 कंपनियां अभी हमारे को सी ट्रायल्स दे रही है, बोला था 5 महीने पहले बोल चुका हूँ आपको, और मैंने तब आपको ये भी बोला था मोस्ट प्रोबेबली राफेल विल मेक इट, क्योंकि राफेल का जो इक्विपमेंट है वो एडवांस्ड है, और 3-4 चीजें जो हमें समझने की। करीब 86 राफेल इंडियन एयरफोर्स को चाहिए, 36 राफेल इंडियन नेवी को चाहिए, 86 और 36, करीब 125 जहाज की बात कर रहे हैं मोटा मोटा। यहाँ जो राफेल एम है, इसमें जो है ये जो कैटापल्ट लॉन्च होता है और जो एरेस्टर बेस्ड लैंडिंग होती है दोनों को सपोर्ट करता है, ठीक है, हमारे दोनों एक तरफ के रूप में चले। दूसरी बात चीमा साहब, आपको याद होगा ये शायद 5 अप्रैल 2021 था, 5 अप्रैल 2021 को एक MOU हुआ था हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स और सेफ्रॉन इंजन, सेफ्रॉन टेक्नोलॉजीज के बीच। ये जो इंजन है ये M88 सीरीज का इंजन है, इसका ये हाई थ्रस्ट इंजन है, आई थिंक इसका थ्रस्ट इज 110 kN। ये इंजन इंडिया में बनेगा, और जो भी राफेल बनेगी इंजन इंडिया में बनेगा, और 50% ये जो बनेगा जहाज ये इंडिया में बनेगा, उसके बाद यहाँ असेंबली आएगी, और यहाँ से एक बार फिर ये MRO हब बनेगा। MRO इज मेंटेनेंस रिसर्च एंड मेंटेनेंस रिपेयर एंड ऑपरेशन हब बनेगा इंडिया का राफेल, और इसके बाद जो यूएई में जाएगा, जो इंडोनेशिया में जाएगा, जो ग्रीस से जाएगा, तो इस प्लांट से निकला हुआ राफेल बनेगा। तो ये मेक इन इंडिया जो हम कहते हैं उसमें भी फिट हो रहा है।
तो यहाँ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी हो रही है, इंडिया में प्रोडक्शन भी हो रही है, सप्लाई लाइन भी आ रही है, और धीरे धीरे इंडिया को एमआरओ हब बनाया जाएगा एशिया का, एशिया पैसिफिक का, राफेल का, और उसके बाद ये टेक्नोलॉजी यहाँ से जो जहाज निकलेंगे, नए ऑर्डर यहाँ से बन के निकलेंगे। तो ये आप इसको एक छोटी डील ना समझिए, बहुत बड़ी डील हो रहा है। एमआरओ बिजनेस इज वर्थ हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस डॉलर्स 5 years, 10 years डाउन द लाइन। आपको याद होगा पीछे रतन टाटा जी ने बोला कि ये हुआ था कि भाई रतन टाटा जी 100 जहाज खरीद रहे हैं, 500 जहाज खरीद रहे हैं $10 बिलियन में। तब मैं आपके किसी चैनल पे था पाकिस्तान के, तो मैंने कहा बेसिकली द आइडिया इज एमआरओ हब, क्योंकि अभी जो एमआरओ बिजनेस है करीब इट इज वैल्यूड अराउंड $500 बिलियन ईयरली। अभी एशिया में जो सबसे बड़ा है वो है सिंगापुर, जैसे इसमें पैसेंजर टू कार्गो कन्वर्जन, कार्गो टू पैसेंजर कन्वर्जन, काफी चीजें होती हैं। और अगर हब देखे, जैसे मैं डेल्टा एयरलाइंस की बात करूँ, डेल्टा का हब है हांगकांग, बहुत सी एयरलाइंस का हब है सिंगापुर, जबकि लॉजिकली अगर आप एशिया की बात करें इंडिया सेंटर आता है। तो एमआरओ के साथ साथ जब एमआरओ आप यहाँ लाओगे, अभी क्यों नहीं आ रहा है ये हब्स, यहाँ क्यों नहीं बने एविएशन हब, क्यों नहीं बन रहे, हमारे पास एमआरओ नहीं है। सिंगापुर या जापान में एमआरओ फैसिलिटीज है, जैसे हमारे पास एमआरओ फैसिलिटीज आएंगी, कम से कम 10 से 12 एयरलाइंस विल हैव हब्स इन इंडिया। और आपको तो पता होगा इंडिया इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग एविएशन मार्केट, जो वर्ल्ड ओवर एविएशन मार्केट्स का सीएजीआर है करीब 11-12% है, हमारा सीएजीआर 25% है। आपने पीछे देखो एयरबस का सीईओ आए थे मोदी जी से मिलने, मैंने फोटो भी ट्वीट की थी, इसीलिए आए थे, ये सबसे बड़ा मार्केट है। और हमें क्या चाहिए चाची मां साहब, देखिए आपको अच्छे अच्छे शुभ समाचार सुना रहा हूँ, मैं आपको बोलता ना आपको शुभ समाचार सुनाता रहूँ। देखिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए इंजन, हमें चाहिए हाई थ्रस्ट इंजन, और हाई थ्रस्ट इंजन अब यहाँ बनेगा। अभी 5 कंपनी है वैसे बाय द वे इंजन बनाना शुरू कर दी, यूबी टेक्नोलॉजीज, रोल्स रॉयस, सैफरान, सुखोई और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स। और ये जो सैफरान के इंजन है डेल्टा में, ये हमारा जो है चेतक है, ध्रुव है, उसमें ऑलरेडी लगते हैं। तो अब ये चेतक इंजन बनाने के बाद हमारा एक अपना कमर्शियल एयरक्राफ्ट का भी वेरियंट है, कमर्शियल एयरक्राफ्ट का जो हमारा वेरियंट है उसका नाम है सारस, 32 सीटर 72 सीटर। इंजन की समस्या ठीक होती है उसको भी हम बहुत जल्दी 3-1 साल में उसको भी हम लॉन्च कर देंगे, क्योंकि सबसे बड़ा जो एविएशन मार्केट है इसमें भी तो मेक इन इंडिया आना चाहिए ना, या लोग आके इंडिया में बनाए इंडियन वेरिएंट चलाए। पर अगर आपको इंडिया में बिलियंस ऑफ डॉलर चाहिए, देखिए अगर मैं यहाँ कैलकुलेटर उठाऊँ क्योंकि थोड़ी मेरी मैथमेटिक्स ना आप जानते कमजोर है, 86 + 36, अगर हमें 122 जहाज देने किसी को, 122 जहाज 10-20-25-30 बिलियन के जाएंगे, तो हम $30 बिलियन उठा के दे दें क्या, उसे बोलेंगे इंडिया में बना, यहाँ एम्प्लॉयमेंट दे, यहाँ रोजगार दो, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करो। तो कोई हम चाइना से उधार पे तो ले नहीं रहे ना कि जो चाइना ने टर्म्स बोल दिया साइन कर दिया। लेकिन पाकिस्तान की हद तक क्या होता है, जब भी चाहे वो खान साहब का दौर हो या अब इस हुकूमत का दौर है, आर्मी चीफ गेम है और हम यहाँ पे किस किस्म की खबरें सुन रहे हैं, तजिए क्या खुशखबरी मिलेगी इकॉनमी के हवाले से, खुशखबरी मिलेगी सऊदी अरब कुछ दे देगा। देखें अगर इसहाक डार साहब गए हों और इस तरह की बातें हो रही हैं कि खुशखबरी मिलेगी, फिर तो सेंस करता है। क्या ये आर्मी चीफ की जिम्मेदारी है कि वो जाएं और वो किसी की भी हुकूमत हो और वो उनके लिए पैसे लेके आएं?